राजस्थान की राजनीति में किसान शब्द का बड़ा उपयोग रहा है। कभी किसान मुख्यमंत्री की बात बनी, कभी किसानों के हकों के लिए सारी की सारी पार्टियां रास्ते पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करने लगी। राजस्थान भर में इन दिनों यूथ कांग्रेस जोर शोर से किसानों के ऋण की माफ़ी को लेकर राज्य सरकार को घेर रही है, और बाड़मेर में पिछले दिनों एक ऐसा ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हिस्सा लिया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी थे और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा अध्यक्ष भी। आयोजक बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा अध्यक्ष ठाकरा राम माली थे, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर किसानों की मांगों को लेकर यूथ ब्रिगेड कांग्रेस की अब किस तरीके से आगामी दिनों में काम करेगी। हालांकि संकेत ये मिले हैं कि किसानों को राहत राजस्थान सरकार देने की इच्छुक है, लेकिन जो कुछ अभी तक कदम उठाए गए हैं राजस्थान सरकार की ओर से, क्या यूथ ब्रिगेड कांग्रेस की यूथ कांग्रेस इसको लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट हैं या फिर नहीं। ठाकरा राम जी, थोड़े दिन पहले आपके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, कलेक्ट्रेट का घेराव भी हुआ, आपको क्या लगता है कि राजस्थान भर प्रदेश भर में जो कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, इसके दबाव में आकर राजस्थान सरकार ने कुछ संकेत दिए कि किसानों को राहत मिलेगी? जी हाँ, निसंदेह यूथ कांग्रेस के द्वारा राजस्थान पूरे में उग्र आंदोलन किया गया और किसानों के ऋण माफ़ी के लिए हर मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। उसी के दबाव में राजस्थान सरकार ने किसानों के ऋण माफ़ी को लेकर किसानों को राहत प्रदान की गई, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने एक महीने के लिए किसानों की जो ऋण जमा करने की अवधि थी वो बढ़ा दी है और एक महीने के लिए ऋण माफ़ कर दिया गया। ब्याज मुक्त ऋण जमा करने के लिए राज्य सरकार ने यूथ कांग्रेस के दबाव में आकर अवधि बढ़ाई है। मांग क्या थी? मांग ये थी कि अवधि बढ़ाई जाए या ऋण माफ़ किया जाए? नहीं, यूथ कांग्रेस की मांग थी किसानों का ऋण पूर्णतया माफ़ किया जाए, और जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दबाव में आकर जो ये कदम उठाया गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे भी राजस्थान सरकार के इस फैसले को बदलने के लिए पूरा प्रदर्शन करते रहेंगे, पूरे राजस्थान में दबाव बनाते रहेंगे यूथ कांग्रेस के द्वारा, और हर जगह प्रदर्शन किया जाएगा कि राजस्थान सरकार किसानों का पूर्णतया ऋण माफ़ करे। अभी आगामी रणनीति जो होगी वो क्या होगी, किस तरीके से, क्योंकि विधानसभा घेराव कर दिया, लाठियां खा ली आपने, बाड़मेर के अंदर जिला मुख्यालय घेराव कर दिया, अब आगामी कदम क्या रहेंगे जिसके बाद, क्योंकि विधानसभा घेराव सबसे बड़ा, अगर कोई किसी पार्टी या पार्टी के जो दूसरे समूह हैं उनके द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए सरकार के खिलाफ, तो विधानसभा घेराव को सबसे बड़ा कदम माना जाता है, इसके बाद अब क्या करेंगे? हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने दबाव में आकर ये फैसला लिया है, और आगामी दिनों में अगर राजस्थान सरकार किसानों का ऋण पूर्णतः माफ़ नहीं करती है तो यूथ कांग्रेस राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संसद का घेराव करेंगे और हर स्टेट में इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कितना समय अवधि कुछ निश्चित की है कि इतने वक्त बाद अगर तब तक ये नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शित करेंगे? अभी तक प्रदेश यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में ये समय अवधि तय नहीं की गई है, पर फिर भी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहे अनुसार उन्होंने कहा है कि जो एक महीना ये टाइम पीरियड बढ़ाया गया है, इस टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए अगर इसी समय में अगर राजस्थान सरकार किसानों का पूर्ण ऋण माफ़ नहीं करती है तो फिर अगले महीने से वापस यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और इस बार संसद का घेराव करेगी। आज भी कुछ आपके कार्यकर्ता और आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या खुशी? आज यूथ कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन के दबाव में, जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के दबाव में आकर सरकार ने किसानों के लिए समय अवधि बढ़ाई है ऋण जमा कराने की, उसके लिए हम यूथ कांग्रेस में खुशी की लहर है और हम खुशी मनाएंगे कि सरकार ने हमारे दबाव में आकर ये फैसला लिया। सरकार ने दबाव में आकर किसानों के हक में फैसला लिया, इसको लेकर आज खुशी भी मनाएंगे। साथ ही साथ इनका ये स्पष्ट कहना है कि जो डिमांड थी वो ये थी कि ऋण पूरा माफ़ किया जाए, किसानों को पैसा न भरना पड़े, क्योंकि कृषि में उनको इतना फ़ायदा इस बार नहीं हुआ। बरसात भी यहाँ पर पूरी तरीके से, ये कहा जा सकता है कि अकाल जैसे हालात बाड़मेर और राजस्थान के कई इलाकों में रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर नहीं माने तो सड़कों पर उतरने में अब
वापस वो देर नहीं लगाएंगे। फिलहाल देखना यह है कि महारानी की सरकार को झुकाने में यूथ कांग्रेस कितने सफल साबित होती है। लेकिन राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि जल्दी महारानी दबाव में नहीं आती। कैमरा पर्सन प्रकाश खत्री के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर टाइम्स।